बच्चों हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 आपकी रत्ना सागर में, उसका ए का चालू है हमारा। फाइंड एचसीएफ बाय फाइंडिंग ऑल द फैक्टर्स, फैक्टर्स फाइंड करके आपको एचसीएफ निकालना है। सो फिफ्थ नंबर है हमारा 28 और 36, पहले फैक्टर्स निकालने हैं एंड फिर एचसीएफ। सो बेटा पहले 28 के फैक्टर्स निकालेंगे फिर 36। 28 किस किस की टेबल में आता है बेटा? सो 2 1 जा 2 4 जा 2 14 जा 28। बेटा ना पता लगे तो 28 को 2 से डिवाइड करके देख लो, मैंने बहुत सारे सम्स में आगे ऐसा ही किया है। फिर 3 की टेबल में, पहले सबसे पहले तो 1 की टेबल बेटा, 1 की टेबल तो हम भूल ही गए। सो 1 28 जा 28, फिर 2 14 जा 28। इसके बाद 3 की टेबल में आता है 28, नहीं आता है। 4 की टेबल में यस, 4 7 जा 28। ठीक है, 5 की टेबल में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, किसी में नहीं। ठीक है, सो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। सो बेटा ऐसे यू बना लो। सो फैक्टर्स क्या हुए 28 के? फैक्टर्स ऑफ 28, 1 2 4 7 14 28। ठीक है, सेम बेटा यहाँ पे 36 के फैक्टर्स लिखेंगे। सो 1 की टेबल में तो जरूर आएगा, 2 की टेबल में, 2 की टेबल में यस, एंड में 6 है आएगा। डिवाइड करके करो, डिवाइड करके अगर ना आए डायरेक्ट, सो 2 1 जा 2 8 जा 2 18 जा 36 होता है। 3 की टेबल में 36 कब आता है? 3 12 जा 36। 4 की टेबल में 4 9 जा 36। 5 की टेबल में नहीं आता, 6 6 जा 36। ठीक है, 7 8 9 में आता है पर वो रिपीट होगा। ठीक है, सो ये सब टेबल्स में 36 आता है। सो ये हुए हमारे फैक्टर्स। सो फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू कौन कौन है? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। सो ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे। अच्छा अब क्या करोगे? अब कॉमन, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, इसके बाद 7 14 28 में कुछ कॉमन है? नहीं। सो बेटा सबसे 1 2 4 कॉमन है, पर सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? सो एचसीएफ हुआ हमारा 4, सबसे बड़ा एचसीएफ कॉमन फैक्टर। सी मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है और उसमें से भी हाईएस्ट चूज करना है। सो दिस इज 4। अच्छा बेटा अब यही सिक्स नंबर भी देख ही लेते हैं साथ ही साथ। सिक्स है 20 50 90 बेटा। सो 20 के फैक्टर्स निकालोगे आप, फिर 50 के निकालोगे, फिर 90 के निकालोगे। 20 के फैक्टर्स 1 की टेबल, 1 20 जा 20, देन वी हैव 2 की टेबल, 2 10 जा 20, देन यू आर हैविंग 3 3 में नहीं आता, देन 4 4 5 जा 20। आई थिंक ये एंड हो गया भाई, यहाँ से आगे नहीं आएगा। सो ये हुआ हमारे फैक्टर्स ऑफ 20। फैक्टर्स ऑफ 20 क्या हुए भाई? 1 2 4 5 10 20। कूल। अच्छा बेटा अब 50 के फैक्टर्स, 1 50 जा 50। 2 की टेबल में 50 कब आता है? आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो डिवाइड करके चेक करो, मैंने आगे भी ऐसा आपको सिखाया है। सो 2 25 जा 50, देन 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 5 10 जा 50। ठीक है, सो इसके बस बेटा इससे आगे तो आएगा नहीं 50। सो दिस इज अवर फैक्टर्स। सो फैक्टर्स ऑफ 50 इज इक्वल टू 1 2 5 10 25 50। चलो हम 90 की टेबल को करते हैं सॉल्व, 90 के फैक्टर्स। सो 190 जा 90, 2 45 जा 90, 3 30 जा 90, 4 में नहीं आता है, 5 5 1 जा 5 5 8 जा। सो 5 18 जा 90। बेटा अगर ये सब बड़ा बड़ा लग रहा भी नहीं आता है तो इस तरह से मैंने फिर से बोल रही हूँ, 2 ऐसे 90 ऐसे डिवाइड करके देखो और आपको पता चल जाएगा वो किसकी टेबल में आता है। देखो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है इस तरह से डिवाइड करके चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा 5 की टेबल में, फिर 6 की टेबल में आता है, यस आता है, 6 15 जा 90। फिर 7 की टेबल में आता है, 8 की 9 की, तो 9 की टेबल में आता है, यस 9 10 जा 90। ठीक है,
सो बेटा ये सब है जिनमें 90 आता है, सो इस तरह से ये हमारे बनेंगे फैक्टर्स। सो फैक्टर्स ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 15, 18, 30, 45, 90। सो बेटा क्या कॉमन है, चलो चेक करते हैं। वी हैव 1, 1, 1, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 10। सो एचसीएफ क्या हुआ, तीनों में कॉमन फैक्टर 10 हुआ, ठीक है, एचसीएफ इज 10, ठीक है। सो ये थे हमारे 5 एंड 6।